नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने मजबूर कभी नहीं दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लाचार कभी नहीं दिखाई दिए। जो शेर की तरह दहाड़ता रहा, जो मुद्दे सेट करता रहा, जो लोकसभा में घोषणा करता रहा, ललकारता रहा विपक्ष को कि एक मोदी सब पर भारी, वो मोदी अचानक इस तरह निराश हताश सा नजर क्यों आते हैं? क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि आज उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं? जो प्रधानमंत्री कभी मुद्दों पर पूरे विपक्ष को नचाया करते थे, पीछे पीछे लेकर जाया करते थे, वही नरेंद्र मोदी अब उधारी पर ले उतर आए हैं। उस कांग्रेस से उधारी में एक मुद्दा मांग लिया है, जिस कांग्रेस को वो पिटी हुई, मरी हुई, खत्म हुई पार्टी मानते रहे हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है कि राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। क्या साफ है कि 2 चरणों के चुनाव में 188 सीटों में बीजेपी इंडिया के मुकाबले पिछड़ रही है? क्या यह सही है कि अगले चरण की 94 सीटों में, जिसमें 7 मई को चुनाव होंगे, उसको लेकर भी बीजेपी में या मोदी जी में कोई उत्तेजना, कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है? वरना क्या जरूरत थी आरक्षण का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है उसको अपना लेने की और उसमें हिंदू मुसलमान का तड़का लगा देने की? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि मोदी 400 पार इसलिए चाह रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, दलित, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। अब मोदी जी नकारते रहे, मंगलसूत्र और ये सब बोलते रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र को निचोड़ते रहे, लेकिन अब मोदी जी को लगा कि गड़बड़ है क्या मामला। तो अब मोदी जी को अचानक एक उधार का मुद्दा मिल गया है। अब वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक वो आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण का जो हक है वो कांग्रेस को छीनने नहीं देगा और कांग्रेस इनको छीन कर मुसलमानों को दे देना चाहती है। लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। क्या ये सिर्फ जुमला है? क्या जनता इस पर यकीन करेगी? जनता ने तो इस बात पर यकीन नहीं किया कि मंगलसूत्र कांग्रेस वाले छीन कर मुसलमानों के बीच बांट देंगे। जनता ने तो इस बात पर भी विश्वास नहीं किया कि कांग्रेस एक घर छीन कर मुसलमान को दे देगी, एक गाड़ी छीन कर मुसलमान को दे देगी। तो क्या अब दलित, आदिवासी और ओबीसी इस बात पर यकीन करेगा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उनका आरक्षण छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी? कुल मिलाकर दलित, आदिवासी और ओबीसी को 49% आरक्षण है। केंद्र की नौकरियों में देखा जाए तो 15% दलितों को है, 7.5% आदिवासियों को है और 22% ओबीसी को है, जो मंडल कमीशन के तहत दिया गया था। कुल 27% आरक्षण, 27% 27 और 22 49.5% हो जाता है। तो क्या लोग इस पर यकीन कर लेंगे कि इस देश में 20% मुसलमान, 80% हिंदू और 20% के खाते में 49% आरक्षण चला जाएगा? अगर ओवर सिंप्लीफिकेशन की बात करें, फिर कांग्रेस ने कब कहा कि वो आदिवासी, दलितों और ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है? वो तो ये कह रही है कि बीजेपी छीनना चाहती है। तो अब फ्रंट फुट पर मोदी जी को लगता है कि आना पड़ा है, मजबूरी में आना पड़ा है। उनको लग रहा है कि आरक्षण का ये जो तीर है पहले 2 चरण में काम करता दिख रहा है इंडिया या कांग्रेस के पक्ष में, और जिससे मोदी जी का या बीजेपी का सीना थोड़ा सा छलनी हुआ है, और ज़्यादा घायल ना हो जाए, और ज़्यादा एक्सरे की भी जरूरत ना पड़ जाए दिल की। इसके लिए मोदी जी ने क्या मजबूरी में सही कांग्रेस की पिच पर आकर खेलने का फैसला कर लिया है?
कुछ कहेंगे कांग्रेस की पिच पर मोदी जी खेलने लगे हैं, इसका मतलब हार मान ली, इसका मतलब वो मान चुके हैं कि उनकी पार्टी पिट रही है और लास्ट अटेम्प्ट के रूप में वो ये काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर दुश्मन का कोई पासा ठीक फेंका जा रहा है तो उस पासे का जवाब कोई भी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी इसी रूप में देगी, और इसमें नाक का कोई सवाल नहीं उठता। आप नाक बचाकर क्या करेंगे अगर कांग्रेस इस मुद्दे के आधार पर मोदी जी के पांव के नीचे से सत्ता छीन लेती है? तो ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन बीजेपी में घबराहट ज्यादा है, बीजेपी में उत्साह कम दिख रहा है। बीजेपी में मोदी जी में पहली बार मैं देख रहा हूं 10 साल में आत्मविश्वास भी कम दिख रहा है। नहीं तो मोदी जी के पास क्या नहीं है? मोदी जी के पास मोदी का चेहरा है, मोदी जी के पास मोदी की गारंटी है, मोदी जी के पास मोदी जी के लाभार्थी हैं, मोदी के पास मोदी जी का हिंदुत्व है, मोदी के पास मोदी जी का राष्ट्रवाद है और विश्वगुरु की छवि है, करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, संघ है। अब संघ प्रमुख को भी बीच मैदान में लाया गया है, उनसे भी कहलवाया जा रहा है कि संघ ने कभी नहीं कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ है, और अगले 100-200 साल तक भी अगर आरक्षण जारी रहता है तो संघ को इससे कोई एतराज नहीं है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब लोकसभा चुनाव के जो 4 चरण 5 चरण बाकी हैं उसमें आरक्षण ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है? क्या ये मानकर चला जाए कि इंडिया या कांग्रेस या राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक था जिसको मोदी नकारते रहे और अब गले तक आ गई तो उनको लगा कि नकारने से तो सत्ता जाने की आशंका है, तो ऐसे में कांग्रेस के हथियार से ही कांग्रेस को मारने की कोशिश करो? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी चाहते तो इतने तक भी सीमित रह सकते थे कि संविधान नहीं बदला जाएगा, वो कसम खाते हैं बिल्कुल संविधान नहीं बदलेंगे, वो कसम खाते हैं कि आरक्षण जैसा है वैसा जारी रहेगा, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, आदिवासियों को, दलितों को ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इस बहाने वो गिना देते कि उन्होंने 10 साल में आदिवासी ओबीसी और दलितों के लिए क्या क्या किया है, और किन मुसलमान वाला हिस्सा छोड़ देते, यानी वो हिस्सा छोड़ देते कि कांग्रेस आएगी तो ये आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देगी। लेकिन क्या ये गलती कर दी मोदी ने? क्या ये उल्टा पड़ेगा, या फिर एक जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत आरक्षण के मसले को मुसलमानों से जोड़कर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है कि एक कांग्रेस के मुद्दे को पंचर करने की कोशिश करो, वो जो गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है उसमें पिंच होने की कोशिश करो, और दूसरा आरक्षण का मुद्दा आप उठाओगे, दलित आदिवासी और ओबीसी की बात करोगे तो आपका सवर्ण कुछ नाराज हो सकता है, उस सवर्ण वोट बैंक को भी काबू में रखना जरूरी है, तो सवर्ण वोट बैंक को काबू में रखने के लिए मुसलमानों से जोड़ दो ताकि सवर्णों को लगे कि चलिए दलित आदिवासी ओबीसी तक तो आरक्षण ठीक है, चलो इतने सालों से मिल रहा है, क्या कर सकते हैं, इसमें से एक बड़ा वर्ग तो बीजेपी को वोट देता ही है, आखिर 2019 में 47% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था, दलित बड़ी संख्या में वोट देते हैं और आदिवासी बड़ी संख्या में वोट देते हैं, राष्ट्रपति आदिवासी है जो मोदी सर के मंत्री से लेकर मोदी खुद कई बार इस बात को पर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति उनके द्वारा दी गई है। तो कुल मिलाकर सवर्णों को लगेगा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण मिल जाएगा, 20% आबादी को 49% आरक्षण मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सवर्ण क्या इतने मूर्ख है कि इस जुमलेबाजी में आ जाएंगे, लेकिन मोदी को लगा कि ऐसा ना हो कि ओबीसी एससी एसटी की बात बहुत ज्यादा की गई तो सवर्णों में जैसे कुछ जगह राजपूत हैं कुछ जगह ब्राह्मण हैं उनमें गुस्सा है, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए मुसलमानों को भी जोड़ा गया। लेकिन ये क्या काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? ये भी अपने आप में दिलचस्प सवाल है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।